Hey guys, this is me, Robbie here. This is your boy, Azu here. Guys, after so long, Azu is back with us in our videos. और मैं भी वापस आ चुकी हूँ और अब consistency के साथ आप लोगों को धड़ाधड़ जो है वो reaction videos मिलती चली जाएंगी. So yes. अगर आप लोग हमारे channel पर new आए हो तो हमारे channel को जल्दी जल्दी like, share, subscribe, must have, bro. Yes, guys, जल्दी से वो कर दो. So guys, चलते हैं video के title की तरफ. तो गाइस आज इस वीडियो में रिएक्शन देने वाले हैं वो वीडियो कर्ली टेल्स की है और उसका टाइटल है शिव ठाकरे एक्सप्लोर्स द विलेज ऑफ मिलियनर्स. तो देखते हैं, एंजॉय करते हैं कौन सा विलेज है जो कि मिलियनर्स का है और शिव ठाकरे इसको बजट कर रहे हैं. लेट्स सी इस गांव में ना इनकम ऐसी जगह जहाँ है खुली हवा, उपजाऊ जमीन और बहुत सारे लखपति. ये है महाराष्ट्र का हिवरे बाजार. तो देखें नमस्ते नमस्कार मंडली कस का है. मैं हूँ शिव ठाकरे, पैदा हुआ अमरावती में. बाजार के लिए जो आता है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, इस गांव के बारे में क्या ही कहूँ यार. बहुत इंस्पायर होते लोग, पूरा इंडिया, इंडिया के बाहर और मैं भी. और इसे विलेज ऑफ मिलेनरीज भी कहते हैं. क्यों? हरा भरा है, पहला ऐसा नहीं था. ये गांव गरीब था, सूखे से परेशान था. फिर ये बदलाव आया कैसे, चलिए जानते हैं यहाँ के सरपंच से, पद्मश्री पोपटराव पवार जी से. बहुत कम बारिश है और इसी कारण ये डीपीपी जोन में गांव है, ड्राउट प्रोन एरिया. शेतीत काय पडत नव्हतं, त्या टायमाला पाऊस पाणी नव्हतं भरपूर. लेकिन हमारी जो समस्या है बेसिक ड्रिंकिंग वॉटर और एग्रीकल्चर वॉटर. रोजगार नहीं है गांव में, पलायन करना पड़ता है. तो 95% फॅमिली 4 माह के लिए मायग्रेट होती थी. तर इकडे काही सोय नव्हती एवढी आणि काम पण नव्हतं आणि जरा तरमळ होत होती आमची. जब मैं यहाँ 89 में आया तब गाँव की हालत जितनी बिगड़ी हुई थी तब मैंने दिमाग चलाया, चलो कोई नहीं ना ऐसा मॉडल बनाने का तो भारतवर्ष का कोई पंचायत का सरपंच हो, कोई गांव हो, वो रेप्लिकेट कर सकता है. कैश क्रॉप से ही इनकम बढ़ता है. लेकिन हमारे गांव में शुगर केन बैन है,
बनाना बैन है, पोमोग्रेनेट ग्रेप्स, जिस फसल को पूरे 12 महीने की साइकिल लगती है पानी की, वो फसल हमने बैन कर दी गांव में। इन्होंने हर वो चीज पे ध्यान दिया जिससे वो पानी बचा पाए, गवर्नमेंट की हेल्प से, वाटर कंजर्वेशन से, और सबसे जरूरी एक साथ सबको साथ लेकर चलने की वजह से ये गांव आज देश के अमीर गांव में से एक है। लेकिन कितना अमीर, जिस गांव में 800 रुपए पर कैपिटा पर ईयर था वह 40,000 तक गया, आज मोर देन 9 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर है। हमारे गाँव में 5 टाइम्स एग्रीकल्चर। इस गांव की और एक खास बात है, अगर भूख लगी है तो ताजा गरम गरम भाकरी आई शपथ मिलेगी, वो भी आजी के हाथों की, मस्त ना। हमारे आजी भी सॉलिड है भाई, महीने के 2 लाख तो इनका प्रॉफिट है। मैं इंजीनियर हूँ, मैं नहीं कमा सकता 2 लाख रुपए, और मेरे दोस्त भी है। तो आजी तू शिक्षण महत्व से नहीं है, तू जे कार्य करती है ना, आणि मला सांग आजी हे ज्या गाई आहे मी ऐकलं 1.25 लाखाची गाय आहे। हा आहे ना, बेंगलोरवरून आणलेली। बेंगलोरून आणली? हा, 1.5 लाख रुपये पगार होतो असं। त्या बा छूट दृष्ट नको लागू माझ्या आजीला। नाही बिग बॉस मी करता होता पता है क्या, मैं सच्ची में आता था मुझे मजा थोड़ी करून देऊ का मला येते ना जी। हा मग करा, मुलींच्या घरच्याला वाटलं पाहिजे ना, मुलगा कमावतही कामाचाही आहे, लड़की को खुश भी रखेगा। हे अपन नावाला शूट करते, आपला इरादा दुसराच आहे। समझा क्या, घर बैठे सिर्फ खाने का नहीं, अपने बीवी को थोड़ा सा मदद करने का। ऐसा 2-3 लाइन बोलने का लड़के इंप्रेस। ज्या पोरीला अशा भाकरी करता येईल ती पोरगी मला पाहिजे, असेल तर डीएम करा। आजकालच्या मुलींना नाही जमत आजी। नाही नाही आता गॅस येत ना, सुन कोण करतय। गाँव घूमा, मंदिर के दर्शन लिए, और फिर मैं मिला यहाँ के लोकल, मतलब बहुत ही प्यारा इंसान प्रसन्न से, जो विदेश में पढ़ लिख कर बजाय वहाँ रहने के वापस गांव आया। यार रिस्पेक्ट भावा। मैंने भी अभी बीएससी एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन किया है जी। मैंने थाईलैंड में AIT नाम की यूनिवर्सिटी है, टॉप 15 वर्ल्ड में, वहाँ से मास्टर कोर्स किया है। मेरे को वहाँ पे जॉब की भी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे ही इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी इतना है कि वहाँ जाके कमाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यही आके यही मिट्टी में काम करना है, यही बात। और ये सब यूथ का यही है। जो आपने लाइन बोली है कि आप जहाँ पे पले बड़े हो, जहाँ पे सीखे हो, आप सीख के आओ और उस मिट्टी को बड़ा करो कि आप मतलब, हमारे अपने लोग बड़े हो सके। मतलब बापूजी गांधी जी बोलते थे कि भारत गांव में बसता है जी। तो बापूजी के सपने का जो गांव था वो यही। आखाड्यावर आपण निघे तर मजा घ्या। या या, म्हणजे मी तिथून आईच्या गावात गेलो तर भाई खतरनाक लोक होते दादा। एक रिक्वेस्ट है बस, जिम में हमारे को पुशअप सिखाते, ये सिखाते। मी ऐकलं दंड बैठक जे असतात ना पहलवानाचे, ते किती काढता तुम्ही दिवसात, कितना निघालते हो दिन में? 500 भाई, मला शिकवाल का एक्झॅक्ट? चला ना करूया आपण सोबत, चला।
दोस्ती अपनी जगह पे, कुश्ती में दोस्ती नहीं बोलते। तुम्हारा कौन सा बताओ, उधर वाला इधर वाला? दोनों घोड़े तेज है, जल्दी बताओ, कमेंट्स में बताओ। इस गांव में आपको लोग कम दिखेंगे, पर लोगों ने किया हुआ काम दिखेगा, एक अपनापन दिखेगा। शहरों में लोग तो होते हैं पर वक्त नहीं होता है। और यहाँ पे मुझे इतना कम वक्त में इतना अपनापन और इतना प्यार दिए लोगों ने, मज़ा आ गया मुझे। लव यू ऑल, खूब सारा प्रेम, गणपति बापा मोरया। सो गाइज, दिस वॉज द वीडियो। इसके अंदर शिव ठाकरे एक्सप्लोर द विलेज ऑफ मिलियनर्स, दिखाया गया कि कैसे एक जो गाँव था 1989 में, बिल्कुल एक बंजर सा गांव था जहाँ पे पानी की कमी थी और उस वजह से यहाँ पर कोई क्रॉप्स ज़्यादा नहीं उग पाती थी और उसी वजह से लोगों को 5-6 महीने बाहर रहना पड़ता था, डिफरेंट माइग्रेट करना पड़ता था डिफरेंट सिटी में, और बाद में भी डिफरेंट सिटी में माइग्रेट करना पड़ता था दोबारा वापस आना पड़ता था। तो ये बड़ा इशू था, लेकिन उनके सरपंच ने एक प्लान बनाया, उसके तहत उन्होंने जो 12 जिन क्रॉप्स को 12 महीने चाहिए होता है पानी, वो बंद कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता पानी का उन्होंने फैसिलिटी बनाई गई जहाँ पर पानी को स्टोर कर सकते हैं, और वही उन्होंने कह रहे हैं कि वो हर तरह के जो गाँव है दुनिया के अंदर या इवन इंडिया में गाँव, जो हर गाँव है वो उस रोड मैप फॉलो करके ये काम कर सकता है। और बड़ा मुझे तो गांव पर लगा ही नहीं, बिकॉज वो बहुत ग्रीनरी थी उधर और उधर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत था और बिल्कुल ऐसे वाइब नहीं आई। ऑब्वियसली हाँ, जरा डेवलप नहीं था बिकॉज ऑफ बिल्डिंग्स नहीं थी, इसलिए वो लगा था कि कोई एग्रीकल्चर जगह है, लेकिन वो ऐसा फील नहीं आ रहा था कि बिल्कुल ही जहाँ पे कोई भी फैसिलिटी ना, हर तरह की फैसिलिटी वहाँ नजर आ रही थी जो कि होती है। ऊपर ये बता रहे हैं कि वहाँ पर बहुत लोग जो हैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, वो बता रहे थे कि मंथली या सॉरी ईयरली जो प्रॉफिट लोग 30-30 लाख 25 लाख प्रॉफिट कर रहे हैं INR में, तो ये देख के बहुत अच्छा लगा मुझे तो। बिल्कुल, सो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो गांव है वो मिलियनर्स का है, और वो ये बता रहा था कि मैं तो इतनी अच्छी जॉब करके भी इतने पैसे नहीं बना सक रहा, और आप तो घर में वो औरत को वो कह रहा था जो अपना खुद घरेलू जो काम करते हैं और जो भी उनकी एग्रीकल्चर वाली चीज़ें होती हैं, हार्वेस्टिंग होती है, उससे वो लोग पैसे बनाते हैं। सो दिस वॉज अ वीडियो, अच्छा लगा देखकर। हम लोग भी एक्सप्लोर करना चाहते, देखना चाहते कि ऐसा कौन सा विलेज है जहाँ पर जितने अमीर मिलियनर्स रहते हैं, सो वी वॉन्ट टू नो। हालांकि बिल्कुल मुझे बड़ा ना पीसफुल सी वाइब भी आती है, बड़ी पुरसकून छोटी सी आबादी है, एक दूसरे को लोग जानते होंगे, अपना आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और खा रहे हैं। सो दैट वाज द बेस्ट थिंग, वी रियली एंजॉयड वाचिंग इट। आई होप सो कि आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा, अगर किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे एक और वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।